सॉफ्टवेयर होता है सिंक्रो 4D। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर ये सॉफ्टवेयर क्या होता है सिंक्रो 4D क्या होता है सर, सुना है लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है सिंक्रो 4D। तो आइए डिस्कस करते हैं सिंक्रो 4D सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसका अल्टरनेटिव कोई सॉफ्टवेयर है क्या। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जी। गाइस आप सबको पता है कि बीम की जो इंडस्ट्री है यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो इंडस्ट्री है, इसमें सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है। इतने ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स में खुद भी आपको सिखाता हूँ बीम में, आप सबको पता है कई लोग तो जो बीम्स का के लिए सब्सक्रिप्शन भी लिए होंगे, जिसमें उन्होंने ऑटोकैड सीखा होगा, रेबिट सीखा होगा, स्केचअप सीखा होगा, नेविसवर्क सीखा होगा, 3ds Max, टेक्ला, अभी MSP भी लाने वाला हूँ। तो इतने ढेर सारे सॉफ्टवेयर तो आपने सीखे, क्या आपको लगता है कि खत्म हो गए? नहीं, और भी बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलते हैं, बट जो मेजर सॉफ्टवेयर थे वो यही है। सिंक्रो क्या है? सिंक्रो नेविसवर्क सॉफ्टवेयर का कॉपी है। कॉपी इन द सेंस, कॉपी मतलब गलत सेंस में कॉपी मत लेना, कॉपी मतलब यह है कि जो 4D का काम नेविसवर्क करता है वही काम सिंक्रो 4D भी करता है। तो आपको चाहे सिंक्रो 4D आता हो या फिर नेविसवर्क आता हो, बात एक ही हुई, ठीक है। नेविसवर्क के अंदर क्या करते हैं, नेविसवर्क के अंदर टाइम की भी शेड्यूलिंग हो जाती है और साथ ही साथ प्राइस की भी शेड्यूलिंग हो जाती है, मतलब वो 4D और 5D दोनों का काम कर पाता है नेविसवर्क। बट केवल 4D का काम केवल करके लेना है आपको, तो आपको सिंक्रो 4D भी यूजफुल हो सकता है। सिंक्रो 4D में सेम रैबिट की तरह ही एनिमेशन करते हैं, इसमें दिखाते हैं कब क्या होगा, कितने टाइम पर क्या होगा। इससे कई ढेर सारे बेनिफिट भी होती हैं, जैसे सेफ्टी का मेजरमेंट पता चल जाता है, भाई अगर यहाँ पर प्लास्टरिंग करना हो, ये 13 फ्लोर है, क्या सेफ्टी मेजरमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर सकते हो। साथ ही साथ एक्यूरेसी भी आती है प्रोजेक्ट में, पता रहता है कि भाई इसके बाद ये, तो इसके लिए एक्यूरेसी भी आती है और साथ ही साथ टाइम की भी सेविंग होती है। पहले क्या करूं, कुछ आइडिया नहीं है, वीडियो देख लो, पहले उसमें बना कर दे दिया है कि भाई इसके बाद ये। तो भाई बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हैं सिंक्रो 4D के। अगर नेविसवर्क नहीं आप सीखना चाहते हो तो सिंक्रो 4D आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वैसे अभी इसका कोई कोर्स मेरे पास नहीं है, इन फ्यूचर अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो प्लान करेंगे कि भाई सिंक्रो 4D के लिए। ऐसे आते रहते हैं लोगों के, मतलब अलग अलग, जैसे अभी हम लोग PEB के लिए माइंड सेट में बना है कि PEB का स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी, धीरे धीरे PEB पे भी हम लोग आने वाले हैं। बट सिंक्रो 4D का सॉफ्टवेयर है, 4D मतलब टाइम के अकॉर्डिंग एनिमेट करना, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग एनिमेट करना। पहले जनवरी में आ गया, फरवरी में आ गया, मार्च में आ गया, वगैरह वगैरह ऐसे, ठीक है जी। सिंक्रो 4D सॉफ्टवेयर, होप आपको क्लियर हुआ होगा कि होता क्या है। ये बीम का सॉफ्टवेयर है, जिस तरह नेविसवर्क है, जिस तरह टेक्ला है, उसी तरीके से ये है, लेकिन ये नेविसवर्क का ही तस्से उसी तरह से काम करता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके अप्रिसिएट करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।